अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उर्दू ग्रामर के मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हम खुतूत नवेसी, दरख्वास्त नवेसी और मज़मून नवेसी के मुतालिक पढ़ेंगे। खुतूत नवेसी, खुतूत नवेसी कहते हैं ख़त लिखने के तरीक़ेकार को। ख़त के अहम हिस्से मंदरजा ज़ेल है। सबसे पहले मकाम रवानगी, यानी ख़त की पेशानी पर, यानी ख़त के सबसे ऊपर सफ़े के दाएं कोने पर ख़त लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तारीख, मकाम रवानगी के ऐन नीचे तारीख लिखते हैं। और मौजू अलकाब, यानी जिस शख्स को ख़त लिखा जा रहा है उसे जिस नाम से मुखातिब किया जाता है, मसलन अब्बा जान तो प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई प्यारे भाई और प्यारे अली वगैरह। आदाब व तस्लीमात, यानी कलाम का आगाज़ हमेशा सलाम से किया जाए, यानी अस्सलामु अलैकुम। फिर उसके बाद नफ्स मज़मून, यानी ख़त का असल और मरकज़ी हिस्सा, इसमें वो बातें लिखी जाती हैं जिस मकसद के लिए ख़त लिखा जा रहा है। ख़त के मज़मून को आदाब व तस्लीमात के नीचे वाली सतर से शुरू किया जाता है। इख्तिताम, मज़मून ख़त को दुआया कलिमात और वस्सलाम पर ख़त्म किया जाता है। ख़त लिखने वाले को अपना नाम बाएं कोने पर लिखना चाहिए। हमने अब ख़त नवेसी के मुतालिक पढ़ा और बताया कि ख़त में कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहले नाम लिखा जाता है, फिर तारीख लिखी जाती है, फिर मौजू अलकाब से जो उनके मुतालिक जो अलकाब हैं, फिर नफ़ से ख़त लिखा जाता है और फिर इख्तिताम होता है। आइए आते हैं अपने ख़त की तरफ। मामू जान को ख़त लिखकर बताएं कि आपका नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला हो गया है। ख़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मामू जान, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मेरा इस साल शहर के मशहूर स्कूल में दाखिला हो गया है, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाती है, और मैंने कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ी ज़ुबान में काफ़ी महारत हासिल कर ली है। और इंशाल्लाह जब आप इस साल गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास आएंगे तो मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान को अच्छी तरह बोल, पढ़ और लिखने के काबिल हो चुका हूँगा। अम्मी अब्बू की तरफ से आपको सलाम, फ़कत आपका भांजा अलिम बाजीम। और आखिर में स्कूल के लिए जब आप ख़त दरख्वास्त लिखते हैं, यानी स्कूल की कॉपी में, तो आप अपना नाम लिखने के बजाय अलिफ बा जीम लिखेंगे। अपना नाम आप कहाँ लिखते हैं? जब आप हकीकी तौर पर असल ज़िंदगी में किसी को ख़त या दरख्वास्त लिख रहे हों। दरख्वास्त नवेसी, दरख्वास्त नवेसी किसे कहते हैं? दरख्वास्त नवेसी कहते हैं जिसमें दरख्वास्त लिखने के तरीक़ेकार को जिक्र किया जाए। सबसे पहले जिनको दरख्वास्त लिखी जा रही है उनके मनसब का जिक्र सफ़े के दाएं तरफ लिखा जाएगा, यानी मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। फिर जिस इदारे को आप ख़त लिख रहे हैं इस इदारे का नाम लिखेंगे, यानी मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब के नीचे अगली लाइन से उसी के नीचे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अल मदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप नफ़्स दरख्वास्त शुरू होगी, नफ़्स दरख्वास्त शुरू की जाएगी जिसमें अदब व एहतराम के साथ अपना उज़र पेश करके जिस चीज़ की दरख्वास्त की जा रही है उसको जिक्र किया जाएगा। फिर आखिर में, यानी दरख्वास्त ख़त्म होने के बाद आखिर में नए सतर से बाएं तरफ, यानी सतर की बिल्कुल आखिरी हिस्से में अपना ताल्लुक़ जिक्र करके अपना नाम लिखा जाएगा। यानी ताल्लुक़, आप उनके शागिर्द हैं या उनके यहाँ नौकरी करते हैं तो आप शागिर्द हैं, तो आप लिखेंगे आपका फरमाबरदार शागिर्द अलिफ बा जीम। खतूत के अंदर और दरख्वास्त नवेसी के अंदर अपना नाम नहीं लिखते जब स्कूल में आप लिख रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हकीकी तौर पर आप किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वहाँ अपना नाम शनाख्त के लिए लिखा जाएगा। प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखें जिसमें आप स्कूल में कुतुब मेले के इनेकाद की दरख्वास्त लिखें। दरख्वास्त, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौतबाना अर्ज़ है कि स्कूल के तलबा में तालीम का शौक़ बढ़ाने और किताबों से मोहब्बत और उनके मुताले का शौक़ पैदा करने के लिए स्कूल में एक कुतुब मेला मुनाकिद किया जाए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कुतुब रखी जाए जिससे तलबा में उनके पढ़ने का शौक़ पैदा हो।
और तलबा में किताबें ख़रीदने का शौक़ पैदा हो। उम्मीद है